बरेली के कैंट थाना क्षेत्र के कांधरपुर निवासी इलेक्ट्रीशियन की किसी ने गला रेत कर हत्या कर दी थी, जिसका शव कल सुबह थाना कैंट के ही परगवां गांव के एक खेत में पड़ा था। पुलिस ने मामले की जांच गंभीरता से करते हुए खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक मृतक की पत्नी ने ही अपने पति की हत्या की है। बता दें कि कैंट थाना क्षेत्र के कांधरपुर निवासी महेंद्र पटेल का इकलौता 28 वर्षीय बेटा रोहित पटेल इलेक्ट्रीशियन का काम करता था। कुछ साल पहले उसके पिता की मौत के बाद उस पर परिवार की सारी जिम्मेदारी आ गई। बीती रात 11 बजे रोहित के फोन पर किसी की कॉल आई, उसके बाद वो घर से चला गया लेकिन देर रात तक घर नहीं पहुंचा। वहीं कल सुबह परगवां गांव में युवक का शव पड़ा हुआ मिला, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने शिनाख्त के लिए आसपास के गांव में पता किया। इस दौरान जब रोहित के परिवार वालों ने वहां जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि शव रोहित का था। किसी ने उसकी गला रेत कर हत्या कर दी थी। वहीं घटना की सूचना पर DIG अखिलेश कुमार चौरसिया भी मौके पर पहुंच गए और मामले की जानकारी ली।